हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल 10 मिलियन में। आज का इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि हैंग पासबुक को कैसे रिकवरी करें। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए और इस तरह का ऑप्शन आपका भी आ रहा है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप टेंशन बिल्कुल मुक्त रहिए। तो दोस्तों, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जीमेल लॉगिन करना होगा, देख सकते हैं जीमेल हम खोल दिए हैं। उसका कॉम्बोस इसमें आके क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब जिस फॉर्म दिख रहा है, इस जिस जीमेल में आप फेसबुक अकाउंट बनाए थे उसी को यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ टू दिख रहा है, इसमें आपको लिखना है support@facebook.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट में लिखना है वे डोंट री को जी रिकॉग्नाइज योर डिवोर्स प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ नीचे आपको लिखना है, यहाँ पर हम पेस्ट कर दे रहे हैं, कॉपी करके रखे थे उसको पेस्ट कर दे रहे हैं, या पेस्ट किए हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो कॉपी कर लीजिएगा और अपना यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उतना अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। उतना लिखने के बाद यहाँ आपको नीचे तरफ आना है, नीचे इस तरह से नीचे करना है। उसके बाद अपना फेसबुक का नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। फेसबुक का जिस नाम है फेसबुक का, वहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ मोबाइल नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर दे दीजिएगा जिस नंबर से बनाए थे, या तो जीमेल भी दे सकते हैं जिस जीमेल से बनाए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड दे दीजिएगा, ठीक है, आपका जो पासवर्ड था, ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर जो था उतना दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 24 घंटा के बाद एक जीमेल आ जाएगा, ठीक है। जीमेल में जैसे कि यहाँ पेस्ट करते रहे, ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा आपका जीमेल में। उसके बाद यहाँ पर आपको फेसबुक .com दिख रहा है, वैसे ही आएगा, इसमें आपको क्लिक करना रहेगा। इसमें आपको नीचे में एगो OTP भी आएगा, नंबर 6 डिजिट का, उसको आके यहाँ पर क्लिक होगा। जैसे हम यहाँ क्लिक किए उस तरह से आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर जीमेल से बना है तो जीमेल डालिएगा, मोबाइल नंबर से बना है तो मोबाइल नंबर डालिएगा, और यहाँ पर जो OTP वहाँ जीमेल में आएगा उसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद लॉगिन इन कर दीजिएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो देख के आप समझ गए होंगे किस तरह से लॉगिन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एगो कमेंट कर दीजिए।